गाइस बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हम सब उठ चुके हैं सुबह के 4:30 बजे। जैसे कि आप सब मुझे देख ही सकते हैं, मैंने पीलिया ओढ़ के बैठ चुकी हूँ, तो भाई कहीं जाना ही होगा, जबी तो मैं उठी हूँ ना इतनी सुबह। तो भाई आज है हमारी शीतला माता की बसोड़ा पूजा, मतलब हमारी कुल की देवी की पूजा है। ये हर हिंदू परिवार में ये पूजा होती है। तो हम सब भी जल्दी से सब उठ चुके हैं, बच्चों को भी मैंने एक एक करके सबको उठा दिया है। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि शीतला माता की पूजा सुबह ही सुबह बसोड़े की होती है, चौराहे पे जाके माता गुड़गायें वाली की पूजा। तो बस हम जल्दी से अब जाते हैं बच्चों को लेके। आप मेरे व्लॉग में बने रहना, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। जय माँ शीतला। हम सब पूरी फैमिली अब यहाँ माता शीतला की पूजा के लिए जा रहे हैं। हमने अपनी थाली में जो भी प्रसाद था सब प्रसाद अच्छे से रख लिया है माता का। तो चलिए चलते हैं, आ जाओ बच्चों। गुड मॉर्निंग करो सब। गाइस आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है अभी। हम सबसे पहले ही पहुंच गए लगता है, बहुत अंधेरा हो रहा है। हाँ चलो चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। जनी देखने ठटी हो बोलो शीतला माता की जय। बोलो गुड़गांव वाली की जय। माता मसाणी की जय। बोलो कालका माई की जय। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, आपने सब
सबने देखा ही होगा, हमने अपनी शीतला माता की चौगानों वाली की पूजा बसोड़े की कर ली है। तो बस अब करते हैं बुढ़िया माई की पूजा, क्योंकि अभी इतनी सुबह सुबह बुढ़िया माई पत्नी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अभी देखते हैं हमारी गली में सब जैसे भी पूजते हैं, हम भी वैसे ही पूज लेंगे। तो हमारे व्लॉग में बने रहना, जैसे भी होगा मैं आपको आज के व्लॉग में जो दिखा सकती हूँ वो सब कुछ दिखाऊंगी। जगत के लिए, इन्हीं के लिए तो ये जगत है ना, भगवान सबकी बनी रहे, अच्छी गोद सबकी भरे, अब तो होना चाहिए। बड़े छोटे की दुआ ले लो, इन चीजों का कौन सा वो आगे नहीं दे रही। आ जाओ भाई, चलो दो। हम आ गए थे पूजा करके और अब हमें लग रही है बस सीधा ये खोलने की। जिया तो परेशान हो रही है कंडी खोलने की, सबसे पहले ही कह रही है कि काना की खोलेंगे। तो गाइस देखो, ये अभी से सुबह के अभी 5:30 हो हैं बिल्कुल, हम जल्दी से पूजा वूजा सब करके आ गए हैं अपने घर में। और ये कह रही है कि सबसे पहले हम काना की खोलेंगे, फिर मैं अपनी खोलूंगी, और अभी और मैं इनको मना कर रही हूँ अभी मत खोलो। खोलेंगे नहीं अभी नहीं, थोड़ा ब्रश व्रश करना अभी। तो गाइस चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहना, अभी मैं बच्चों को ये सब कंडी वगैरह थोड़ा सा खोल के प्रसाद दे देती हूँ, मुँह मीठा करा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक शगुन होता है बच्चों के लिए, ये देना जरूर होता है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे इसी चीज़ के लिए तो ज़्यादा परेशान रहते हैं और सुबह सुबह उठ भी जाते हैं। तो भाई हमारी अच्छे से गुड़गांव वाली माई की पूजा हो चुकी है, तो चलिए देते हैं बच्चों को थोड़ा सा खाने के लिए मिठाई वगैरह जो ये बच्चों की होती है, कैंडी मेवा वगैरह। कैसा लग रहा है? देख सकते हो आप काना की कितनी सारी निकली है, पूरा बैग भर गया काना का टॉफी चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स का। काना बहुत खुश है, देखो एक टॉफी जिया ने इनको दे ही दी। बाबू आप भी खाइए छुआरे का भोग। अब बस जिया परेशान हो रही है कि मम्मा मेरी खोलो मेरी खोलो, मुझे खाना। भाई ये किसी की नहीं है, ये हमारे विशु की है, विशु के पास रहेगी बस। विशु का जो मन करेगा वो खाएंगे पहले, ठीक है ना। अब ये किसकी पोटली बनेगी? मेरी। ये लाडो की पोटली है। अबे भाई लाडो की पोटली देखो भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे जिया का भी बोरा भर चुका है, यहाँ पे जिया का, यहाँ पे विशु का, दोनों का हो गया। मैंने अभी अपनी नहीं खोली, मैं अभी बाद में खोलूंगी आराम से। इन दोनों को कह रही हूँ, जिया को कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रही थी तो इसने विशु की भी खुलवा दी और खुद ने भी खोल ली है ना। और अब इसके स्कूल भी जाना है। हाँ इसके स्कूल भी जाना है, आज जाना न्यू सेक्शन के नहीं है, पेरेंट्स को बुलाया है, बच्चे नहीं जाएंगे तो अभी देखते हैं 8 बजे तक तो हमें स्कूल में ही पहुँचना है। फोटो भेज के आ देना मेरे को दिखा। हाँ न्यू क्लास की आपकी जो भी होगा वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो चलो गाइस हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम माता की पूजा करके आ चुके हैं, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा हमने बुढ़िया माई की भी पैर छू के उनको भी भोग प्रसाद दे दिया है, उनका आशीर्वाद पा लिया है। तो बस अब मैं भी यहाँ प्रसाद खा रही हूँ माई का, क्योंकि अभी हम सुबह के टाइम वैसे भी अभी हम चूल्हा वगैरह बिल्कुल नहीं जलाते हैं, क्योंकि ये ठंडा सीला दिन होता है, ठंडा ठंडा ही खाना खाते हैं। बच्चों को भी आज हम नाश्ते में यही सब कुछ देंगे और हम भी यही सब खाएंगे, क्योंकि माँ शीतला की जो पूजा होती है सब ठंडे भोग से होती है, बासी भोग से होती है। तो बस जितना होता है बच्चे भी खा लेते हैं, और अगर इन्हें कुछ और खाना है तो ये बाजार से अपने डैडी से मंगा के कुछ भी खा लेते हैं, पर खाएंगे आज हम यही सब कुछ। गाइस यहाँ मैं तो अब प्रसाद खा रही हूँ, देखिए आप माँ का। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सबके यहाँ गुड़गांव वाली माता की पूजा किस तरीके से होती है। हमारे तो जो हमारी सासू माँ ने हमें समझाया है बताया है उसी तरीके से हमने किए हैं, हमने हमेशा से देखा है उन्हें। आज वो नहीं है हमारे पास पर हमें उनकी कमी महसूस होती है कहीं ना कहीं, पर वो एक दिखा नहीं सकते, और ऐसे जैसे बहुत से लोग होते हैं रो रहे हैं कुछ कर रहे हैं, नहीं बस वो हमारे मन में है, उनका आशीर्वाद हमारे पास है।
तो बस मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो गाइज हमने सबने अच्छे से यहाँ पे प्रसाद वगैरह का भोग ले लिया है, बच्चों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा खिला दिया क्योंकि अभी इन्हें नींद तो आनी रही है। तो चलिए करती हूँ अब मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सब ने कैसे अपनी गुड़गांव वाली माई की शीतला माता की पूजा की। तो बाय बाय, राधे राधे, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।